तो भाई आजकल जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वो है वड़ा पाव और वड़ा पाव गर्ल। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वड़ा पाव गर्ल की तरह वड़ा पाव बनाऊँ आज ही, और सेम जैसे बनते हैं ना, जितना टेस्टी बनते हैं, मैं भी सेम वैसे ही बनाने वाली हूँ। आप पूरी रेसिपी देखना और खुद बना के मुझे बताना कि कैसे बने हैं एक्चुअल में। तो फिर चलिए बनाते हैं वड़ा पाव, चलिए फिर हम भी वड़ा पाव गर्ल की तरह देखते हैं क्या पता हमारी भी रेसिपी फेमस हो जाए। तो बनाते हैं आज वड़ा पाव, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें आलू बॉईल कर लिए हैं, उनको मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद हम बनाते हैं जो वड़ा पाव की मेन चटनी होती है ना, वो बनाते हैं, पीनट चटनी, और जिसको गन पाउडर भी बोला जाता है, तो वो बनाते हैं। उसके बाद देखते रहना मैं कैसे कैसे बनाने वाली हूँ आज वड़ा पाव। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं मूंगफली को फ्राई कर ले रही हूँ, ये मूंगफली को फ्राई कर ले रही हूँ, और इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और इसमें हम ये हरी मिर्च और लहसुन भून लेंगे। तो ये हमारी मूंगफली भुन चुकी है और इसको मैंने घी में भुना है, बिल्कुल थोड़े से घी में। अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम तेल गरम होने देंगे, और मेन टिप है यहाँ पे इसमें हल्का सा बीच में चीरा लगा लेना ताकि ये पटके ना, वरना तो ये पटकेगी और हाथ जल जाएगा। ये हमने इसमें चीरा लगा लिया, देखो सारी मिर्च पे चीरा लगा लिया है। अब हम इसको डालेंगे इसके अंदर, और पहले हम भून लेते हैं लहसुन, और लहसुन को ऐसे ही भूनना है, छिलक नहीं उतारना है इसका, इसको पील नहीं करना है, इसको ऐसे ही भून लेना है, बस ऐसे लेके और ऐसे डाल के भून लेना है बस इसको हल्का सा ना। ये देखो हमारी लहसुन भून चुकी है, अब हम मिर्च को भून लेंगे और इसको हम रख लेंगे प्लेट में, और मिर्च को भी हम ऐसे ही भून लेंगे, चटकेगी नहीं लेकिन। अब मैं बनाने वाली हूँ सबसे पहले ये जो चटनी होती है ना, जो रेड वाली, इसमें पाउडर डलता है, तो वो बनाने वाली हूँ, अभी देखना वो कैसे बनाती हूँ मैं। तो ये लिया हमने मिक्सी जार, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले ये, ठीक है, ये पाउडर हमें पहले ही बना लेना है क्योंकि उसके बाद जब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे तो फिर जार थोड़ा सा गीला हो जाएगा। और इसमें हम डाल रहे हैं देगी मिर्च, थोड़ी बना रहे हैं चटनी तो थोड़ा ही डालेंगे, और इसके अलावा डालेंगे नमक, थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा नॉर्मल धनिया मसाला। धनिया मसाला मैं अपना घर में ही बनाती हूँ तो इसमें और भी चीज़ रहती हैं, और इसके अलावा लहसुन की कली छील के, ये हमने लहसुन की कली भी डाल ली। अब इसको बंद कर देते हैं और इसको मिक्सी से पीस लेते हैं। तो ये हमारी वो जो रेड वाला पाउडर होता है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम बना लेते हैं ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैं इसी जार में डाल रही हूँ लहसुन, कच्ची लहसुन, भुनी हुई लहसुन नहीं, कच्ची लहसुन, एक प्याज छोटी, और धनिया की चटनी बना रही हूँ ग्रीन। हाँ, धनिया के अलावा इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा मसाला, थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा नमक, और ये अब हम बंद करके पीस लेंगे, और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, अब हम इसको पीस लेंगे। ये हमारी हरी चटनी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको भी अलग रख देंगे साइड में, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यार। तो अभी हमें मेन चीज रेडी करनी है, वड़े रेडी करने हैं, वड़े रेडी करके फिर हम बनाते हैं अपना वड़ा पाव, चलिए तो बनाते हैं फटाफट से। तो अभी मैं बना रही हूँ जो सबसे मेन चीज है वड़े के लिए, आलू रेडी करना। सबसे पहले आलू रेडी करती हूँ, तो इसमें मैंने डाला है घी, मैं घी में ही फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद जाएगा इसमें जीरा, ये हमने जीरा डाल दिया, गैस की फ्लेम तेज कर लेंगे अब, तो जीरा भुन जाएगा, उसके बाद जाएंगे इसमें लहसुन, जो कि भुनी हुई लहसुन थी। जीरा हमारा भुन गया है, इसके बाद हमने डाल दी लहसुन, ज़्यादा नहीं भुनेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी भुनी हुई थी, हल्की सी भुनेंगे, और इसमें डाल देंगे हम साथ ही मसाले। ये डाली मैंने इसमें देगी लाल मिर्च, नमक, मसाला, और बहुत ही हल्की सी हल्दी,
बहुत हल्की सी डाल दूंगी, ज्यादा कलर नहीं चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने आलू और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को कम कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा आलू मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसके वड़े बना लेंगे। वड़े बनाने के लिए गर्म कर लेंगे बेसन का पेस्ट रेडी। इसमें हमें डालनी है मेन चीज हल्दी, बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने नमक डाल दिया, और हल्का सा बिल्कुल मसाला। अब इसमें पानी डाल के इसको रेडी कर, अब मैं इसमें पानी डाल के इसको रेडी कर लेती हूँ। बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, बहुत टाइट भी नहीं रखना है, बहुत पतला भी नहीं रखना है। ये थोड़ा टाइट है, इसको हल्का सा और पतला करना है, हल्का सा। ताकि उसके ऊपर पूरी कोटिंग आ जाए। देखिए ये इतना हमारा ऐसा रहना चाहिए, आलू के ऊपर पूरी कोटिंग आनी चाहिए, ये ऐसा रहना चाहिए। तो ये हमारा रेडी हो चुका है पेस्ट। अब हम इसमें वड़े डालेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया, अभी हम इसमें डालेंगे वड़ा। ये डालो आप स्पून में वड़ा, इसको अच्छे से कोट करो, और ये कोटिंग हो गई। अब इसको फोक से निकाल लो, तो जो भी एक्स्ट्रा होगा वो नीचे आ जाएगा, और इसको आराम से इसमें डाल लेंगे। अब दूसरा भी डाल देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे वड़े बहुत ही अच्छे से रेडी हो गए, चारों तरफ से बहुत ही बढ़िया भुन गए, और लहसुन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं कर लेती हूँ ना पाव रेडी। इस पे मैंने बीच में से कट कर दिया, और इस पे मैं लगा रही हूँ हल्का सा घी, और ये हमने घी लगाया, इसको हल्का सा बस इस पे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, और ये सोगी बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सब कुछ रेडी हो गया, और ये मैं आपको टिप देना चाहूँगी, ज़रूर इसको फ्राई करिए हल्का सा, क्योंकि उससे क्या है ना कि इसमें एक क्रंची टेस्ट आता है। उसके पास आई थिंक बड़ा पाव गर्ल के पास ऑप्शन नहीं है सेकने का, तो इस वजह से वो नहीं सेकती। अब मैं लगाती हूँ इसमें हरी चटनी, ये लगाई हमने हरी चटनी, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे हरी चटनी लगाई, इसके बाद हम डालेंगे ये इसमें बहुत ही टेस्ट को एनहेंस कर देता है ये, तो ये ज़रूर डालना, क्योंकि यही है मेन वड़ा पाव का। और अब हम रखेंगे इसमें दोनों वड़ा विद मिर्च, इसको बंद करेंगे, और अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए, ये हमारे दो वड़ा पाव रेडी हो चुके। तो ये हमारे दोनों वड़ा पाव रेडी हो चुके, और अब देखते हैं कैसे बने। कैसे बन रहे? तो भाई यहाँ पे आ चुका है बड़ा पाव, अब मैं भी खा के बताती हूँ पहले कैसा बना है। मैं लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ, वो चेक कर लेना, मतलब सिर्फ लिखने के चेक कर लेना जो अगर आप बनाने वाले हो तो। खा के बताती हूँ कैसा बना है। सीरियसली टेस्टी है यार।
जरूर बना के देखना। और जो इसमें ये जो मूंगफली वाली वो है ना, ये गन पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट ले जा रहा है, बहुत अच्छा फ्लेवर ले जा रहा है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी अपने पाव फ्राई करना मत भूलना बिल्कुल भी, मतलब सेकना सिर्फ मत भूलना बिल्कुल भी, उससे कोई सॉगी नहीं होता है, उससे और ज़्यादा क्रंची हो जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बना के देखना, फिर मुझे कमेंट्स करके बताना कैसा बना आपका, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।